कोरोना के इफेक्ट की यदि हम बात करते हैं तो मध्य प्रदेश में 21 मार्च के आसपास कोरोना का पहला पेशेंट आया था और तब से लेकर अब तक हम हर रोज कोरोना के अलग अलग चेहरे को, अलग अलग रूप को हमारे समाज के बीच में देख रहे हैं। कोरोना ने जहां हमारी आर्थिक गतिविधियों को ठप कर दिया है, वहीं स्वास्थ्य के मामले में बता दिया है कि इंसान चाहे जितनी तरक्की कर ले, चांद पर चला जाए, वो मंगल पर जाने की बात करे, वो अंतरिक्ष में कॉलोनी बनाने का ख्वाब देखे, लेकिन हकीकत में वो अपने लोगों को जान बचाने के लिए टीके तक नहीं बना पा रहा है। कैसी विडंबना है कि वह इंसान जो प्रकृति का एक महत्वपूर्ण अंग है, उसने प्रकृति के उन सारे आयामों को अपनी गतिविधियों से परेशान किया जो उसके साथ बराबरी का इस पृथ्वी पर, इस अंतरिक्ष पर हक रखते हैं। कितनी बड़ी विडंबना की बात है कि इंसान जब घरों में कैद हुआ तो प्रकृति के उसके साथी अंग मुस्कुराती है, फूल ज़्यादा अच्छे से खिलने लगे, पक्षी ज़्यादा अच्छे से चहचहाने लगे, आकाश ज़्यादा साफ हो गया, ओजोन परत का क्षरण रुक गया। दूसरी तरफ इंसान की हालत देखिए, हजारों लोग पैदल अपने घर की तरफ जा रहे हैं, भूखे हैं, प्यासे हैं, बच्चों को एक निवाला नहीं मिल रहा है, जान जा रही है, दुर्घटनाओं में जान जा रही है। एक और चेहरा, कुछ लोग हैं जो इन सब का साथ बटाने के लिए, इनके दुख को दूर करने के लिए सड़क पर निकल आए हैं। एक बड़ा वर्ग है जो कोविड से लड़ रहा है, अस्पतालों में लड़ रहा है, सड़क पर लड़ रहा है, कोविड के विस्तार को रोकने के लिए रात दिन एक किए हुए हैं। ये तमाम आयाम है जो कोरोना के इस पूरे 2-2.5 महीने की मध्य प्रदेश की यात्रा में हमको दिखाई देते हैं। सवाल है कि कोरोना का क्या असर हमारे समाज पर रह जाएगा, क्या हम कुछ सबक सीखेंगे या वही ढाक के तीन पाद की तरह हम फिर वैसे ही हो जाएंगे जैसे जल संकट निपटने के बाद पानी मिलते ही हम पानी को बहाना शुरू कर देते हैं। मेरी समझ यह कहती है कि इंसान को भारत की उस अवधारणा पर यकीन करना पड़ेगा, और न केवल यकीन करना पड़ेगा बल्कि उसे उसका पालन भी करना पड़ेगा कि संतोषी सदा सुखी। हमें हमारे अधिकार से ज़्यादा ग्रहण करने की, अधिकार से ज़्यादा संरक्षण करने की प्रवृत्ति को त्यागना पड़ेगा। जितना आवश्यक है उतना ही हमारी थाली में हो, जितना आवश्यक है उतना ही हमारे कब्जे में हो, ये सीखना पड़ेगा, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो पूंजी हो या समाज के अन्य संसाधन। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद यदि इस सबक को हम सीख पाए, पूरी मानव जाति इस सबक को सीख पाए, तो शायद प्रकृति के साथ तालमेल का एक अच्छा अवसर हम इस कोरोना के संकट के समय पाएंगे। शायद फिर हम वो जो चिंता किया करते थे कि आने वाली पीढ़ी को उनका पालन भी करना पड़ेगा कि संतोषी सदा सुखी। हमें हमारे अधिकार से ज़्यादा ग्रहण करने की, अधिकार से ज़्यादा संरक्षण करने की प्रवृत्ति को त्यागना पड़ेगा। जितना आवश्यक है उतना ही हमारी थाली में हो, जितना आवश्यक है उतना ही हमारे कब्जे में हो, ये सीखना पड़ेगा, चाहे वो प्राकृतिक संसाधन हो, चाहे वो पूंजी हो या समाज के अन्य संसाधन। मुझे लगता है कि कोरोना के बाद यदि इस सबक को हम सीख पाए, पूरी मानव जाति इस सबक को सीख पाए, तो शायद प्रकृति के साथ तालमेल का एक अच्छा अवसर हम इस कोरोना के संकट के समय पाएंगे। शायद फिर हम वो जो चिंता किया करते थे कि आने वाली पीढ़ी को हम क्या सबक देंगे, क्या संसाधन देंगे, क्या विरासत देंगे, उन सवालों के जवाब हम अपने आचार में, हमारे व्यवहार में परिवर्तन करने के बाद शायद ले पाएंगे। मुझे लगता है कि कोरोना पर स्वास्थ्य की, आर्थिक और तमाम गतिविधियों के साथ हमारे व्यवहार को, क्योंकि बार बार कहा जा रहा है कि कोरोना के साथ हमें जीना सीखना होगा, हमें वाकई में सीखना होगा कि कोरोना के बाद हम कैसी दुनिया चाहते हैं, और यही कोरोना का असली सबक भी होगा। संगीत की स्वर लहरियों से सांस्कृतिक ताने बाने तक, चंबल के भीड़ों से नक्सलवादियों के गढ़ तक, झोपड़ी से महलों तक, ठेलों से मेलों तक, पगडंडियों से सड़कों तक, गांव से शहरों तक, व्यापार से उद्योगों तक, राजनीति से कूटनीति तक, दखल न्यूज आपके हक। देख रहे हैं दखल न्यूज़।